अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हरियाणा के हमारे बहुत सी विभूतियाँ, हमारे गणमान्य संबंधी जो लोग हैं हमें बीच में छोड़कर चले गए हैं, उनके इस प्रकार बिछड़ जाने के बाद हम आज सदन में कुछ शोक प्रस्ताव मैं रख रहा हूँ। शोक प्रस्ताव संख्या एक, ये सदन भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री ईश्वरदयाल स्वामी के 15 दिसंबर 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री ईश्वरदयाल स्वामी का जन्म 11 अगस्त 1929 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा 1999 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 13 अक्टूबर 1999 को केंद्रीय राज्य मंत्री बने। वे वर्ष 1949 में भारतीय वायुसेना में पायलट ऑफिसर के पद पर भी नियुक्त हुए थे। वे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव एक का, यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला के 20 जनवरी 2020 यानी आज ही हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 24 मार्च 1932 को हुआ। वे वर्ष 1967, 1970, 1982, 1991 तथा 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 4 बार मंत्री बने। वे हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 1992 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे किसान, गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव दो, ये सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री हेतराम के 15 जनवरी 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1949 को हुआ। वे वर्ष 1988 तथा 1989 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव तीन, ये सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री अश्विनी कुमार के 18 जनवरी 2020 को हुए निधन दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 11 जून 1956 को हुआ। वे वर्ष 2014 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे पंजाब केसरी के मुख्य संपादक थे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से देश एक योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव चार, ये सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं, श्री निहाल सिंह, गांव करीरा, जिला महेंद्रगढ़, सरदार तारा सिंह, गांव बीड़ बबरान, जिला हिसार। ये सदन इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव पाँच, ये सदन देश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए
अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार मेजर प्रकाश चंद, गाँव बजाड़, जिला महेंद्रगढ़। जूनियर वारंट ऑफिसर गोविंद सिंह, गांव पाथेड़ा, जिला महेंद्रगढ़। हवलदार सुमेर सिंह, गांव पाथेड़ा, जिला महेंद्रगढ़। हवलदार जयपाल, गांव अमरोली, जिला पलवल। हवलदार निर्मल सिंह, गांव धानुपुरा, जिला यमुनानगर। एलएसी चिराग नैन, गांव दनोदा खुर्द, जिला जींद। लांस नायक तेजपाल, गांव खलीलपुर, जिला गुरुग्राम। सिपाही नवीन, गांव नांगल पीपा, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही अमित, गांव मूंदसा, जिला झज्जर। सिपाही सत्यवान, गांव जाखोदा, जिला झज्जर। सिपाही प्रवेश, गांव सुरेती, जिला झज्जर। सिपाही कुशल पाल सिंह, गांव कालरम, जिला करनाल। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 6। यह सदन शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल के चचेरे भाई श्री सतवीर, कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल के पिता कैप्टन करण सिंह दलाल, विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा की सास श्रीमती सुशीला देवी, विधायक श्री सुभाष गांगोली की माता श्रीमती सोना देवी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री ईश्वरदयाल स्वामी की पत्नी श्रीमती पद्मा स्वामी, पूर्व सांसद श्री सुरेंद्र सिंह बरवाला के भाई श्री देवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की सास श्रीमती उर्मिला दाबड़ा तथा पूर्व विधायक श्री सोमवीर सिंह के भाई श्री ओम प्रकाश के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।